Good morning, the students of class sixth. Here in this video, we are uh, I am discussing the vocabulary part of your chapter, second chapter, the friendly mongoose. It has been taken from your supplementary book. Okay, you have already done the first chapter, a tale of two birds. Now this is the second chapter. Uh, okay, let us discuss the vocabulary. द फर्स्ट वर्ड इज पैट पी टी पैट दिस मीन्स टेम एनिमल टेम मीन्स पालतू पालतू जीव ठीक है मंगूज जो था वो एक पालतू जीव था मंगूस यानी मंगूस मीन्स नेवला जो होता है उसको मंगूस बोलते हैं राइट नेवला सबको पता है आपको यस थर्ड क्रेडल क्रेडल मीन्स एक स्मॉल बैड फॉर बेबी यानी पालने को क्रेडल बोलते हैं ठीक है फोर्थ रॉकट रॉकड का मिसलब पालने को जब झुलाते हैं मूड टू एंड फ्रो टू मिस एंड फ्रो टू एंड फ्रो मिस आगे पीछे यानी झुलाना ठीक है फिफ्थ पॉइंट है अफ्रेड अफ्रेड मीस फ्राइटन मीस घबराया हुआ ठीक है वो जब आ, आ, मदर जब कहती है कि मैं आ, इस बच्चे को इस निवले के पास छोड़ के नहीं जाना चाहती तो उसका पति उसको कहता है कोई बात नहीं डरो मत ये नेवला अच्छा है ये हमारे बच्चे का बेस्ट फ्रेंड है ठीक है तो ग्रोसरीज़ वो क्या लेने जाती है बाहर मदर जो है वो ग्रोसरीज़ लेने जाती है ग्रोसरीज को किसको बोलते हैं फूड आइटम्स को यानी किराने का सामान किचन का सामान लेने के लिए ले जाते हैं ग्रोसरी लेने जाती है मार्केट में देन सेवन्थ पॉइंट है स्क्रीम्ड राइट इसका मतलब क्राइड चिल्लाना वो चीक उठती है कब चीक उठती है जब वो देखती है कि मंगूस के मुंह में और पंजों पे खून लगा हुआ है ठीक है तो पंजों की इंग्लिश क्या है एट पॉइंट पॉस पी ए डब्ल्यू एस पॉस पॉस किस बोलते हैं एनिमल्स फीट को पॉस बोलते हैं जैसे आदमी के फीट को तो फीट ही बोलते हैं फुट फीट लेकिन एनिमल के फीट को बोलते हैं पॉस पॉस का मतलब होता है जानवरों के पैर पंजे राइट नंबर नाइन्थ स्मीयर्ड स्मीयर्ड मीन यानी सने हुए जो उसके पंजे थे जब वो वापस आती है शॉपिंग करके मदर वो देखती है कि मंगूस के जो पंजे हैं वो और मुंह है वो खून से सने हुए हैं समिरण हैं ठीक है तो टेंथ है हिस्टोरिकली मीन्स मैडली फिर वो पागलों की तरह रोने लग जाती है चिल्लाती है ठीक है ना और अ फ्लैश और एकदम सोचती है एकदम से उसके दिमाग में क्या आता है एटवंस फ्लैश का मतलब एडवांस यानी पलक झपकते ही वो क्या करती है जिसके पास बास्केट होती है ना जिसके अंदर सारा सामान होता है वो उसके ऊपर दे मारती है मंगूस के ऊपर और मंगूस उसे बच, मर जाता है ठीक है तो ट्वेल्थ पॉइंट है अन अवेयर अन अवेयर अवेयर का मतलब जानते हुए अन अवेयर मीन्स ना जानते हुए नॉट नोइंग अनजाने में अनजाने में वो क्या कर जाती है उसको मार देती है ठीक है मंगूस को देन सोबिंग सोबिंग मीन्स क्राइंग बट सुबकते हुए सुबकना और रोने में फ़र्क होता है जब रोने रोने के बाद जब आप चुप होने लगते हो तो बीच में जो स्टेज आती है रोने और चुप होने के उसको सुबकना बोलते हैं ठीक है थीके? तो ये वो पॉइंट होता है अगर आप एकदम चुप हो गए तो इसका मतलब आप नकली रो रहे थे राइट जैसे आप कहीं बार करते हैं कुछ चीज़ मांगने के लिए क्राई करते हैं लेकिन जैसी वो चीज़ मिल जाती है आप चुप हो जाते हैं बच्चे चुप हो जाते हैं तो, तो दैट इज़ वो है वो नकली रोना है असली रोने में आप एक पार्ट आता है क्राइंग के बाद सोबिंग का सुबकने का तो ये वो चीज़ है ओके देन हैस्टली हैस्टली का मतलब क्विकली जल्दबाजी में कोई काम करना रैशली रैशली मीन्स थॉटलेसली बिना सोचे समझे वो बिना सोचे समझे एकदम से सोचती है एट इन ए फ्लैश के मेरे बच्चे को इसने खा लिया है नेवले ने और तभी इसका मुंह और पैर जो है वो खून से स्मेरण है तो वो एकदम से रैशली हैस्टली उसके ऊपर वो दे मारती है बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज और फिर बाद में रोती है सुबकती है और स्टेयर्ड और उसके ऊपर उसको बेचारे को देखती रहती है लेकिन कर कुछ नहीं सकती क्योंकि वो नेवला मर चुका होता है स्टेयर्ड लास्ट पॉइंट स्टेयर्ड मीन लुक फॉर समाइम कुछ देर तक देखना या घूरना किसी को देखते रहना देट इज़ स्टेयर्ड ओके सो दीज आर योर डिफिकल्ट वर्ड्स वो कैबलरी राइट दैम डाउन इन योर नोट एंड लर्न दैम ओके थैंक यू स्टूडेंट्स